अलीगढ़ पुलिस के हाथ पैर उस समय फूल गए जब पुलिस को एक युवती के अपहरण होने की खबर मिली। आनन फानन में पुलिस ने मिली सूचना के आधार पर युवती की तलाश शुरू की। पुलिस को जानकारी मिली कि इको कार से युवती को दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है। इधर थाना बन्ना देवी पुलिस टीम भी पीछा करते हुए NH 91 जा पहुंची और गभाना टोल प्लाजा पर कार को रोककर युवती को बरामद किया गया। पुलिस के होश उस वक्त उड़ गए जब पता चला कि युवती का अपहरण करने वाले और कोई नहीं बल्कि उसे युवती के परिजन हैं। पुलिस युवती और उसके परिजनों को थाने लेकर आई। जब मीडिया ने युवती से बात की तो पता चला कि युवती अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी लेकिन परिजन उन दोनों की शादी के खिलाफ थे। मैं यहाँ पर आई थी, मुझे शादी करना, मुझे अपने घर वालों के साथ नहीं रहना। किससे शादी करने थी? फिर क्या हुआ था? ये बस मैं उतरी थी और वो मिला मुझे, तो उसको धक्का दे के मुझे गाड़ी में धक्का दिया, जबरदस्ती मुझे गाड़ी में मार दिया। तब डरते कि मैं मुझे नहीं मारेंगे, मैं बैठ के रहेंगे, गाड़ी में धक्का दे दिया। अच्छा, लड़का कौन था करने वाला? ये बताइए आपकी जो लव स्टोरी है कितने साल हो गए चलते चलते? एक साल। आपको बता दें कि युवती अपने प्रेमी से बात कर रही थी तभी युवती के जीजा ने युवती को अपनी कार में अगवा कर लिया और दिल्ली के लिए रवाना हो गया। जानकारी के अनुसार युवती का प्रेमी दुबई से लौटा है और युवती के घर पर किराए पर रहता है। पंजाब केसरी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन देव की रिपोर्ट।